दोस्तों, जहां एक तरफ मस्जिदों में लगी लाउडस्पीकर को निकालने की बात हो रही है, वहीं भाजपा नेता जबरदस्ती अजान के बदले हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के अजान का अनादर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर को निकाल दिया जाना चाहिए। और यही नहीं, भाजपा नेता कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ रहा है और सुबह उनकी नींद में खलल हो रही है, इसीलिए अब हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। लेकिन वहीं एक तरफ यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक बुधवार शाम को एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और अपना भाषण दे रहे थे कि तभी उन्हें अजान की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने बीच में ही भाषण रोक दिया और अजान पूरी हो जाने के बाद संबोधन को आगे बढ़ाया। एक ऐसे समय जब देश में अजान और लाउडस्पीकर पर विवाद हो रहा है, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का ये व्यवहार लोगों की तारीफें बटोर रहा है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ के इंदिरा नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान भाषण देते समय उन्होंने अजान की आवाज सुनी तो अपना भाषण रोक दिया और अजान पूरी हो जाने के बाद ही बाकी का भाषण दिया। एक भाजपा समर्थक ने इसका वीडियो बना लिया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है, खासकर तब जब देश में अजान और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर बवाल हो रहा है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि 3 मई तक मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर बंद हो जाने चाहिए, नहीं तो उनके कार्यकर्ता लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दोस्तों, जहां एक तरफ अजान को सुनकर लोग स्पीच बंद कर रहे हैं, वहीं कुछ कट्टरपंथी लोग अजान को ही बंद करने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर देश में बवाल मचा हुआ है और खुद को कट्टर हिंदू बताने वाले लोग मुस्लिम समुदाय को केवल परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर्नाटक तक भी पहुंच गई, जो पिछले कुछ महीनों में हिजाब विवाद से शुरू होकर सांप्रदायिक तनाव देख चुका है, जहां कई छात्र स्कूलों में हेडस्कार्फ पर प्रतिबंध के विरोध में सड़कों पर उतरे। हफ्तों बाद एक और विवाद ने दक्षिणी राज्य में अपनी जगह बना ली, जब मंदिर के अधिकारियों ने त्योहार के दौरान स्टॉल खोलने के लिए मुस्लिम दुकानदारों को परमिशन नहीं दी। इस महीने उगाड़ी उत्सव के दौरान हिंदू कार्यकर्ताओं ने भी हलाल मांस के बहिष्कार की मांग की। भाजपा नेता सीटी रवि ने इसकी बिक्री को आर्थिक जिहाद करार दिया। इस खबर में सिर्फ इतना ही। वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।